वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर YouTube चैनल UPPSC बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग UPPSC प्री 2024 के लिए पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन के एक और क्लास को लेकर हाजिर हो चुके हैं। इसमें हम लोग प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 30 तक का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाइएगा प्लेलिस्ट में और उसे जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। यहां पर दिया, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार प्राप्त है? Who among the following have the right to vote in the election to both the Lok Sabha and Rajya Sabha? देखिए, कौन ऐसा है जो Lok Sabha और Rajya Sabha दोनों में अपना निर्वाचन, दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकते हैं? तो संसद के निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य, मतलब elected members of the lower house of the parliament, इनको अधिकार नहीं प्राप्त है। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को इनको भी नहीं प्राप्त है, ये अपर हाउस की बात किया जा रहा है जो इलेक्टेड है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को इनको भी अधिकार प्राप्त नहीं है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो इनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह मतदान का अधिकार है। तो विकल्प डी प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं, यद्यपि संविधान सप्तम संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है? मतलब ये बताया जा रहा है कि जो विधान परिषद के लिए उपबंध किया गया है, ये संविधान में सप्तम संशोधन जो था 1956 में, इसके अंतर्गत किया गया था, लेकिन भारत के कुछ राज्य अभी भी ऐसे जहां पे विधान परिषद नहीं है, तो इसमें से कौन सा वो राज्य है? तो देखिए, अगर बात करेंगे विधान परिषद की, तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वे राज्य कुछ इस प्रकार है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो देखिएगा, अगर आप इसमें देखेंगे तो महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक, इनके पास विधान परिषद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 33 आज की क्लास का तीसरा प्रश्न, 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? यहां पे पूछा जा रहा है, इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। 1946 में जो अंतरिम सरकार था उसका जो कार्यकारी परिषद बनाया गया था, उसका वायसराय जो था, मतलब वायसराय जो था उस परिषद का प्रमुख था। लेकिन बात करेंगे उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट उस समय जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 34 दिया, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। यहां पे बताया जा रहा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन ETC। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिबल अंडर। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें जो आर्टिकल 15 है उसको किसके अंतर्गत रखा गया, तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स है 14 से लेकर के 18 तक को इसे रखा गया राइट ऑफ इक्वेलिटी, तो 15 इसी में आ रहा है, तो यहाँ पे राइट ऑफ इक्वेलिटी हो जाएगा, समानता का अधिकार। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 35 आज की क्लास का पांचवा प्रश्न, देखते हैं इसमें क्या दिया गया। यहां पर दिया है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स इज असाइंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स बाई। अब यहां पर बात किया जा रहा है कि जो राज्य सरकार है इनका जो कृषि आयकर है इसके लिए कौन समनुदेशित करता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है देखते हैं कौन है, वित्त आयोग ये नहीं होगा, है ना, राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय परिषद ये भी नहीं होगा, भारत का संविधान इसके लिए समनुदेशित करता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 36 दिया, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। देखिए, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर। अब यहां पर यह बताना है आपको कि जो केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवाद है इनके निर्णय करने की जो शक्ति है उच्चतम न्यायालय के पास, ये कहां से आती है? तो जो ये शक्ति उच्चतम न्यायालय को प्राप्त होती है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा।
दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 37, यहां पर क्या दिया, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश से अभिप्राय नहीं है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज सेल नॉट इंक्लूड। अब डिस्ट्रिक्ट जज जो शब्द है इसके अंतर्गत मतलब किसे नहीं माना जाता है, कौन ऐसा है इसमें जिसे डिस्ट्रिक्ट जज के अंतर्गत नहीं माना जाता है, तो मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट मतलब चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट इसे माना जाता है जिला जज। सत्र न्यायालय की बात करेंगे जो सेशन जज होते हैं इन्हें भी जिला जज के अंतर्गत रखा जाता है। चीफ जज ऑफ अ स्मॉल कोर्ट स्मॉल कॉज केसेस मतलब इनको भी अगर आप देखेंगे जो इनको भी जिला जज माना जाता है। तो ट्रिब्यूनल जज जो होते हैं मतलब न्यायाधिकरण न्यायाधीश जो होते हैं इनको जिला जज की पदवी नहीं दी जाती है, इन्हें इनके अंतर्गत नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 38 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। मतलब देखिए अगर बात करेंगे उसके निर्वाचन निर्वाचक गण की मतलब उसके निर्वाचन की बात करेंगे तो उसमें तो शामिल होंगे, लेकिन जब भी महाभियोग की बात होगी तो उसमें वे शामिल नहीं होंगे। देखिए राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा शामिल होता है, राज्यसभा शामिल होता है, राज्य की विधान परिषद भी शामिल होती है। तो इसमें विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि राज्य की जो विधानसभाएं होती है ये शामिल नहीं होती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 38 का डी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 39, 39 में दिया है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन द पंचायती राज सेटअप। अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करेंगे तो देखिए ये ग्राम खंड और इसके बाद जिला मतलब विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर कार्य करता है, तो त्रिस्तरीय संरचना बनेगी। देखिए ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना एक स्तरीय नहीं होने वाली है, यहां पर देखिए दिया है द्विस्तरीय संरचना यह भी नहीं होगा, त्रिस्तरीय संरचना की बात करेगा तो यही इसका सही उत्तर होगा, विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, क्योंकि गांव जिला और खंड खंड मतलब ब्लॉक ये तीन स्टेज पर यह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कुछ स्टेटमेंट्स है इसमें देखते हैं क्या डेटा दिया गया। दिया किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग द नेशनल एंथम सिंस। मतलब अब नेशनल एंथम गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे वाक्य स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। देखिए अगर आप इसे राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य कर रहे हैं तो इससे जो इसके फ्रीडम ऑफ मतलब स्पीच का जो फ्रीडम है और जो एक्सप्रेशन का फ्रीडम है उसमें क्या होगा, उसका उल्लंघन होगा। इट विल बी वायलेट द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो देखिए ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे क्या दिया जा रहा है, इनसे अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप के आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है इट विल बी वायलेट ऑफ द राइट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्सियस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब देखिए यहाँ पे इसमें धर्म के आचरण प्रचार इन सब का उल्लंघन होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये भी इस प्रश्न का सही उत्तर बन रहा है ना, इसीलिए नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए देयर इज नो प्रोविजन ऑब्लिगिंग एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों सही हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प एक दो और तीन, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते नेक्स्ट अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 41, भारत का प्रधानमंत्री। यहां पर देखिए भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट दिया है। अब यहां पर देखते हैं क्या पूछ रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा तथ्य ऐसा है जो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही है, आपको यह बताना है। अपने मंत्रियों को केवल उन लोगों में से चुनने के लिए स्वतंत्र है जो कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य है। देखिए यह बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य है वहीं से मंत्री चुन सकता है प्रधानमंत्री, तो यह गलत फैक्ट है ना। आगे दिया है इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, यह भी गलत है। आगे है देखिए अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री चयन करता है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 42 में क्या दिया, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया। अब आपको इसमें बताना है कौन सही होगा कौन गलत होगा। देखिए
Given below are two statements, one labeled as assertion and the other labeled as reason. अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कथन ए में दिया अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई, जो अल्पसंख्यक शब्द है इसकी परिभाषा भारत के संविधान में नहीं है, बिल्कुल सही है। आगे है, अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है, ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही। देखिए यहाँ पे जो संविधानिक निकाय नहीं है ये बोला जा रहा है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये भी देखिए सही है, लेकिन अब यहाँ पे इसका जो सही उत्तर बनेगा क्या होगा, देखिए पहला भी सही है दूसरा भी सही है, लेकिन जो ये दूसरा वाला है ना ये पहले की एकदम सटीक व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो देखिए ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है, और ए बी की व्याख्या करता है ये गलत हो जाएगा, मैं बी बोल रहा हूँ, ये आर दिया गया, मतलब आर मान लीजिएगा, ए और आर दोनों सही है परंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है, है ना, तो ये इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, भारत के संविधान में कौन सा तथ्य इसमें से कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आपको ये बता रहा है कि इसमें से क्या कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। देखिए बात करेंगे पहला, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये कहा गया है। देखिए दूसरा पॉइंट, संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, तो ये भी कहा गया, तो पहला और दूसरा दोनों कहा गया, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 44 में क्या दिया गया, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो देखिए यहां पे क्या दिया, भारत के राष्ट्रपति की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में अगर आप मिलाएंगे तो राष्ट्रपति संविधान और विधि की मर्यादा को रखेगा, तो ए के साथ मिलेगा 4। अब ए के साथ 4 सिर्फ दो विकल्प में, या तो विकल्प ये बी इसका सही बनेगा या तो विकल्प डी बनेगा। इसके बाद देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है अब इनकी बात करेंगे तो ये संविधान के प्रति श्रद्धा रखेंगे, तो बी के साथ मिलेगा 3, और बी के साथ जैसे ही 3 मिलाएंगे, देखिए अभी भी यहां पे ये दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब बात करेंगे अगर हम लोग यहां पर संसद सदस्य एवं निष्ठा की बात करेंगे, तो संसद सदस्य और निष्ठा की जो बात होगी तो ये यहां से सही बनेगा, ये संसद के जो सदस्य होंगे ये कर्तव्यों की मतलब कर्तव्यों के प्रति निष्ठा रखेंगे, तो यहाँ पर सी के साथ मिलेगा 2, और जैसे ही सी के साथ 2 मिलाएंगे तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प बी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 45 पर, 45 नंबर में क्या दिया, नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिसमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया, यहाँ पर ये कथन है और यहाँ पर ये कारण है, आपको कथन और कारण को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद आपको कमेंट करना है कि 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो ये आज के 15 क्वेश्चंस रहे, इस प्रकार की क्लास निरंतर चलती रहेगी, इसके लिए आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।